जापान को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके आसपास के समंदर में इस प्रकार की एक्सरसाइज की जाए। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? असल में चार ऐसे आइलैंड हैं जो कि रशिया के कब्जे में हैं और ये जापान के पास थे वर्ल्ड वॉर टू से पहले, उसके बाद रशिया ने इन पर कब्जा कर लिया। अब जापान ये दावा करता है कि ये चार जो आइलैंड है जो कि हमेशा से ही विरासत में उसको मिले थे, उस पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है अवैध तौर पे। ये जो आइलैंड का समूह कहलाता है वो कुरील आइलैंड कहा जाता है और इसको नॉर्दर्न टेरिटरी जापान के द्वारा कहा जाता है, जिसमें से एक कुनासिरी और दूसरा इतरोप, ये दो आइलैंड उन चार आइलैंड्स में से हैं जिन पर की रशिया एक्सरसाइज करने वाला है, उसके आसपास एक्सरसाइज करने वाला है। जापान ने ये कहा था भारत से कि इस प्रकार की चीजें ना करें, भारत ने उनकी बात मानी है और अब रशिया को ये कन्वे कर दिया गया है कि अब आर्मी तो हमारी भाग लेगी पर नेवी और हमारा वॉरशिप कोई भी भाग नहीं लेने वाला है। जापान ने इसके लिए खुशी जताई है।